चैत पूर्णिमा कब है और इस दिन क्या उपाय करने से लोगों का जो भाग्य है वह बदल सकता है, क्योंकि चैत पूर्णिमा हिंदू धर्म में काफी खास महत्व रखता है। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। इस बार 2024 के नव वर्ष जो है चैत मास का जो पूर्णिमा होने जा रहा है वह 23 अप्रैल को हो रहा है। तो 23 अप्रैल को ऐसा संयोग बन रहा है चैत पूर्णिमा के दिन कि यदि आप किसी कष्ट से परेशान हैं, आपको घर में अशांति महसूस हो रही है, तो इस दिन थोड़ा सा उपाय कर लें चैत पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इसी चैत माह में अभी नवरात्रि समाप्त हुआ है, माता दुर्गा जी का पूजा हुआ है और हनुमान जी की पूजा रामनवमी को हुआ है, इसलिए इस पूर्णिमा का खास महत्व है। और चैत महीने को पितृ मास भी कहते हैं, तो इस पूर्णिमा के दिन यदि छोटा सा उपाय कर लें तो घर में शांति, सुख और समृद्धि होगी। करना क्या है, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना है, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा जो है वह दूध में, कच्चे दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, और कच्चे दूध में हल्दी डाल करके विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ जहाँ विराजमान हैं उस मूर्ति पर अभिषेक करना है, और अभिषेक के बाद सादा यानी लड्डू, नारियल का लड्डू, सादा लड्डू जो होता है नारियल का लड्डू बनाएं और खीर बनाएं, गाय के दूध का खीर बना करके लक्ष्मी नारायण को यदि आप भोग लगाते हैं और रात्रि के समय कच्चा दूध में अरवा चावल डाल करके चंद्रमा को यदि आप अर्घ देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कष्ट हो आप उस कष्ट से बच सकते हैं, आपके घर में सुख और समृद्धि सदैव विराजमान रहेगी। यह छोटा सा उपाय यदि आप 23 अप्रैल को करते हैं तो।